Dr. Nehru Sharma, and I am the Chief Anesthetist at Cradle. I completed my MBBS in 1986, and in 1990 I completed my MD in anesthesia. Since 1991 I am at See, हम लोगों के समय पे जब प्रीपीजी एग्जाम्स नहीं होते थे एंड आपकी एमबीबीएस की फर्स्ट एमबीबीएस सेकेंड एमबीबीएस थर्ड एमबीएस की रैंक पे आपको पीजीज लेनी पड़ती थी somehow my inclination was not towards surgical branch I left general surgery I opted and ENT I wanted to go into medicine and जब इंटर्नशिप आप करना शुरू करते हो एनेस्थीसिया से आपका एमबीबीएस के दौरान कोई एक्सपोजर नहीं होता है द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग टू द हॉस्पिटल और जब हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन वगैरह देखना शुरू करते हो तब आपको एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के बारे में एक्चुअली में पता चलता है वहीं से थोड़ा सा लाइकिंग डेवलप हो गई थी एनेस्थीसिया के लिए और स्पेशली जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन वगैरह जो है उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा बना एंड आई डिसाइडेड देन देयर एंड देन ओनली कि मैं एनेस्थीसिया ही लेना है एंड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज अ कार्डियक एनेस्थीसिस्ट नाउडेज तो हम लोग एक साथ डिसाइड करते थे उसने भी डिसाइड किया कि एनेस्थीसिया लेना और हम दोनों एनेस्थीसिस्ट बन गए एक्चुअली एनेस्थीसिया करने के या कोई भी ब्रांच करने के बाद में उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता लगते हैं जहां तक दवाई मेडिसिन का सवाल है एनेस्थीसिया में नई मेडिसिन का बहुत कम आती है और बहुत देर से इंट्रोड्यूस होती है बिकॉज directly has to, you know, takes your आपके conscious level पे help काम करती है so बहुत study, बहुत research और बहुत ज़्यादा trials के बाद में कोई anesthesia drug आती है जो change होती है जो major change हम लोगों के time में जो हुआ है कि पहले एक दवाई जो thiobentone थी वो use करते हैं आजकल propofol आ गया है but yes monitoring पे बहुत ज़्यादा development हुआ है जो monitors पहले हम लोग पास नहीं होते थे हम लोग पल्स से नब्स पकड़ के देखते थे अब वो मॉनिटर्स आ गए हैं जिसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन से लेकर के पेशेंट की कॉन्शियसनेस तक आप जज कर सकते हो उसमें बहुत इवोल्यूशन आया है और लास्ट 5-10 साल में बहुत आया है और जब से हमारी ये कार्डियक सर्जरी का डेवलपमेंट हुआ है न्यूरो सर्जरीज होने लगी है लंग्स की सर्जरी होने लगी है उतना ही इवोल्यूशन एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में एज फार एज इक्विपमेंट इज कंसर्न आने लगे हैं सो मैं अगर अपनी न्यूक्लियर फैमिली की बात करूं तो माय वाइफ इज शी इज आल्सो अ डॉक्टर एंड शी इज एनेस्थेटिस्ट दो शी इज नॉट प्रैक्टिसिंग एज एनेस्थेटिस्ट एंड एट दैट टाइम माय डॉटर वाज डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम मैसूर और जब मार्च में हमारा ये कोविड वाला शुरू हुआ था तो उसकी इंटर्नशिप शुरू हुई थी सो मुझे अपने से ज़्यादा चिंता उसकी होती थी बिकॉज हम लोग तो सिर्फ एक वी आर कमिंग टू यू नो अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल जहाँ के हम डायरेक्टली कोविड के पेशेंट्स को नहीं डील कर रहे थे बट सिंस शी वॉज इन अ मेडिकल कॉलेज एंड शी वॉज dealing directly with the patients, COVID patients. I was more worried about her. और उसके काम को देखते हुए कि वो जब ये सब कर रही है तो मुझे अपने काम में कुछ चिंता नहीं होती थी Yes, my wife has taken a premature retirement and she is at home. मुझे थोड़ा सा ये जरूर लगता था कि लॉकडाउन में वो सारी प्रिकॉशंस लेके घर में है एंड आई एम द वन गोइंग आउट टू द हॉस्पिटल इन कमिंग बैक सो मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि कहीं मेरे कारण वाइफ को ना हो बट शी सपोर्टेड मी वेरी वेल एंड इसी तरह से ये टाइम जो हम लोग का है लॉकडाउन बना इनफैक्ट डॉक्टर्स में से स्पेशली वो डॉक्टर्स जो कोविड के टाइम पे काम कर रहे थे लाइक जो अब जैसे आई एम अटैच्ड टू मैटरनिटी हॉस्पिटल एंड ये पेशेंट फुल टर्म हो गई है 9 months हो गए तो यू कांट यू नो यू कैन नॉट वेट यू हैव टू डू द ऑपरेशंस और द डिलीवरी सो आई वाज सो कमिंग एवरी डे टू द हॉस्पिटल बट आई हैव नॉट फेल्ट व्हाट अदर्स मस्ट हैव फेल्ट द डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन सो फॉर अस In fact, it was good. The traffic was not there and hardly there was any time to reach the hospital. But yes, people definitely must have faced a lot of difficulties. See, जो protocols अभी तक बन गए हैं COVID patients को या COVID hospitals में काम करने के मेरी तो राय ये रहेगी कि उनको strictly follow करना है कहीं भी relax नहीं होना है ये सोच के कि अभी क्या है ना एक प्राइवेट एटीट्यूड लोगों में आ गया है कि लोग मास्क भी नहीं पहनते और कि भाई ठीक है किसी और को हो सकता है मुझे नहीं हो सकता है वो नहीं होना चाहिए एवरी
जैसे शुरू में जब हम लोग हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल में भी क्रेडल में भी जब पेशेंट्स को डील कर रहे थे तो ICMR की गाइडलाइंस के चलते हम पेशेंट्स का कोविड टेस्ट नहीं करा सकते थे बिफोर ऑपरेशन. सो हम हर पेशेंट्स को पॉजिटिव पेशेंट्स मान के चलते थे. टेक ऑल द प्रिकॉशंस एज इफ दिस पेशेंट इज सिम्टम्स नहीं है फिर भी पॉजिटिव है. हम PPE किट पहनते थे, अपना हेड गियर पहनते थे और जितना भी है सैनिटाइजेशन से लेकर के और जो प्रिकॉशंस हॉस्पिटल में हर बंदे ने इंक्लूडिंग फ्रॉम द रिसेप्शन टू द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एवरीबडी यूज टू डू ऑल दिस प्रिकॉशंस. पेशेंट्स के गेट पे एंटर करने से ही प्रिकॉशन शुरू हुई होती थी. गार्ड और ये सब इतने ज़्यादा सेंसिटाइज थे उस टाइम पे. बिना पेशेंट्स के टेम्परेचर देखे, बिना सैनिटाइजर से हाथ क्लीन किए, वी वर नॉट अलाउइंग द पेशेंट्स टू कम. से कुछ चीज़ें हमने और भी करी कि भी पेशेंट्स के रिलेटिव्स को हम लोगों ने लिमिट करना शुरू कर दिया. एक अटेंडेंस सिर्फ अलाउ करते थे. विजिटिंग आवर्स हम लोगों ने बंद कर दिए उस समय ताकि बाकी पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो. पेशेंट्स जो तो कॉपरेटिव एट दैट टाइम. सो माई मैसेज टू द कलीग्स हु आर वर्किंग इन कोविड हॉस्पिटल इज दिस, नथिंग टू वरी. आई मीन जो स्ट्रेन मुझे लगता है इंडिया में आया हुआ है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, हमारे यहाँ पे इतने सिम्टम्स भी नहीं है पॉजिटिव पेशेंट्स को और उतनी मोर्टेलिटी भी नहीं है. बट यस, अपना ध्यान रखना चाहिए और सारी प्रिकॉशंस लेना चाहिए. रिलैक्स.